नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सालार दर्पण पर RKSM BK बेस लाइन मूल्यांकन की जो डाटा एंट्री है वो सत्र 23-24 के लिए हमको किस प्रकार से करनी है, बच्चों के नाम यदि सही नहीं आ रहे हैं तो डाटा रीसेट किस प्रकार से करना है, बेस लाइन का जो पूर्णांक है, कई साथियों के कमेंट आ रहे थे कि बेस लाइन का पूर्णांक कितना है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही बेस लाइन से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उन सारों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस लाइन जो पूर्णांक का। तो यहाँ पर आप लोगों को हम क्लियर बता दें कि बेस लाइन में पूर्णांक यहाँ नहीं है, बेस लाइन में केवल टोटल क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन में से कितने सही हैं वो आपको सालार दर्पण पर एंटर करने हैं। यहाँ पर दे रखी है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ग्रेड दे रखी है। ग्रेड का मीन्स क्लास, सब्जेक्ट, टोटल क्वेश्चंस, कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन हैं, स्कोरिंग क्राइटेरिया ग्रुप वन, मोर देन 60 क्वेश्चंस करेक्ट। तो यहाँ पर ग्रुप वन में कौन कौन रहेगा, स्कोरिंग क्राइटेरिया ग्रुप टू का यहाँ दे रखा है लेस देन 60 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें तीसरी कक्षा की बात करें तो तीसरी कक्षा में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो इंग्लिश है उसमें टोटल क्वेश्चन यहाँ 15 रहने वाले हैं, और 15 में से यदि 9 बालक सही कर देता है तो उसको हम ग्रुप एक में ले लेंगे, और यदि 9 से कम बालक सही करता है या फिर 9 ही सही करता है, तो यदि 9 सही करेगा तो हम जो ग्रुप वन है उसमें ले लेंगे, और कम से हम 8 के ऊपर ग्रुप 2 में ले लेंगे। तो इसी प्रकार से जो स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं उसी तरीके से आप जो ग्रुपिंग है वो करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस जो ग्रुपिंग है सालार दर्पण पे किस प्रकार से एंट्री करनी है इसकी। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ही हम गूगल क्रोम पे सालार दर्पण टाइप करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने होगा, उसके बाद में लॉगिन करने के लिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ हम आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात हम यहाँ पर जो RKSM BK जो हमारा ऐप है उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के सारे ऑप्शन हमारे सामने होंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट का रहेगा। बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट हम किस प्रकार से करेंगे, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे जो स्टूडेंट है टोटल जिस भी क्लास में है ड्रॉप डाउन मेनू हमको मिलेगी, ड्रॉप डाउन मेनू हमको सेलेक्ट कर लेनी है। ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट करके यहाँ पर हमको शो के ऊपर क्लिक कर देना है। शो के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको जो स्टूडेंट है वो शो कर देगा, टोटल कितने स्टूडेंट हैं और हमको शो कितना कर रहा है वो हम दोनों ऊपर नीचे शो करेगा। नीचे आपको बटन दिया रहेगा सिंक नाउ का, तो यदि दोनों में कुछ अंतर होगा तो आप सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको टोटल जो बालक बालिका हैं एक्चुअल कंडीशन में वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में बात करेंगे, जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर देखिए करंट स्टूडेंट दे रखे हैं और स्टूडेंट इन बेस लाइन दे रखे हैं। सिंक स्टूडेंट बेसलाइन डाटा में जो स्टूडेंट है वो हम यहाँ से सिंक कर पाएंगे। उसके बाद में बात करेंगे बेसलाइन असेसमेंट 23-24 की, तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ सामने आएगा। यहाँ पर आपको 3 प्रकार के ऑप्शन शो होंगे, पेंडिंग, फील्ड और बोथ। तो यहाँ पेंडिंग में तो हम जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू हम वो यहाँ मिलेगी, पेंडिंग में हमको वो सब्जेक्ट शो करेगा जिसके हमने नंबर फिलअप नहीं किए हैं, फील्ड में हमको वो नंबर शो करेगा जिसके हमने नंबर शो कर दी फिल कर दिए हैं, और बोथ में ये दोनों ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट होंगे, सारे के सारे यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद में शो डाटा क्लिक करेंगे तो आपको जो इंटरफेस आप नीचे देख रहे हैं सीरियल नंबर, SR नंबर, स्टूडेंट का नाम यहाँ शो करेगा। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा, कई शिक्षक साथी कह रहे थे कि हमको पूर्णांक की आवश्यकता है जो बेसलाइन है RKSM BK उसमें,
तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट हिंदी, जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए हिंदी ले रखा है, बेसलाइन असेसमेंट में कितने प्रश्न बालक के यहाँ सही कर रहा है, तो उन प्रश्नों की संख्या ही हमको यहाँ डाल देनी है। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से है कि सजेस्टेड ग्रुप फॉर द स्टूडेंट हिंदी, तो जैसे हिंदी सब्जेक्ट में जो ग्रुप सजेस्ट करेगा सिस्टम अपने आप कर लेगा कैलकुलेशन, हमको कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें आपको बालक कौन से ग्रुप में है वो ग्रुप यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं जो FAQ है बेसलाइन से रिलेटेड उसकी, तो यहाँ आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बेसलाइन असेसमेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो जो हिंदी मीडियम पेपर्स है उसके लिए आपको ये लिंक दिए गए हैं डायरेक्ट ग्रेड 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के लिए। आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके भी अपने ड्राइव में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में पहला जो प्रश्न है आधारभूत मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग मापदंड क्या रहेगा, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो 60% से यदि ज़्यादा सही है तो ग्रुप एक आ जाएगा, अगर 60% से कम सही है तो ग्रुप दो आ जाएगा, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ है शाला दर्पण में कौन सा डाटा दर्ज करना है, तो छात्र द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या हमको शाला दर्पण पर दर्ज करनी है न कि अंक, तो शिक्षक साथी यहाँ आश्वस्त हो जाएं कि हमको जो अंक है उनसे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यदि प्रश्न में उपभाग हो तो क्या करें, यदि छात्र 2/3 उप प्रश्न 3/4 सही पाता है तो पूरे अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया प्रश्नों की संख्या की बात हो रही है, तो यदि कोई प्रश्न बालक बालिका सही करते हैं तो आपको कटौती नहीं करनी है इन प्रश्नों में, आपको वो पूरा का पूरा प्रश्न है वो सही मानना है और उसी के हिसाब से जो बेसलाइन है वो भरनी है। यदि छात्र अनुपस्थित है तो क्या करें, ऐसे छात्रों के लिए आप 23 अगस्त से पहले बेसलाइन का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि हमारा जो टेस्ट लेने की डेट है जो टाइम टेबल दिया गया है विभाग की तरफ से उस डेट को बालक बालिका नहीं आते हैं तो जो नेक्स्ट डे है बालक बालिका के आने का 23 अगस्त से पहले पहले उसमें हम बेसलाइन लेंगे और शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे। ध्यान ये हमको रखना है कि शाला दर्पण पर यदि हम एक बार बेसलाइन अपडेट कर देते हैं तो उसमें हम सुधार नहीं कर सकते बिल्कुल, वो हमारी फाइनल हो जाएगी, इसलिए बेसलाइन जो है वो आप ध्यानपूर्वक ही देखकर फिर आप शाला दर्पण पर जो एंट्री है वो करें। यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट के जो FAQ है ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए दे रखे हैं, कुछ अलग बात नहीं है, केवल जो इंग्लिश वर्जन है वो यहाँ दिखाया गया है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो साथियों ये था जो बेसलाइन है हमारी उससे संबंधित सारी की सारी डिटेल। इस संबंध में और भी यदि कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक अन्य नॉलेजेबल वीडियो के साथ।